हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम खेलने वाले हैं पबजी न्यू स्टेट और देखेंगे क्या होता है इस गेम प्ले में, क्योंकि अभी मैंने रियलमी एक्सन मैक्स को रीसेट किया है आफ्टर 8.21 अपडेट, और उसके बाद मैंने पूरा का पूरा सब कुछ फिर से इंस्टॉल किया है। सब कुछ वही सेम टू सेम टाइम कंज्यूमिंग काम वो पूरा का पूरा कंप्लीट करके मैंने फिर से ये गेम प्ले खेलने की सोची है, क्योंकि पबजी न्यू स्टेट सिर्फ मैंने उसी दिन खेला था जिस दिन लॉन्च हुआ था। उसके बाद मैंने एक भी और गेम प्ले नहीं डाली रियलमी X7 मैक्स में। iPad 9 में खेल के डाली थी एक बार, और बाकी Realme X7 Max का अभी तक और वीडियो नहीं आया था, तो मैंने सोचा इस बार खेलते हैं। और यहाँ पे हम सेटिंग्स को कर देंगे लाइट और मैक्स पे, परफॉर्मेंस मतलब FPS होता है, तो ये मेरी गो टू सेटिंग होती है। अगर आपको भी खेलना है तो आप इसी सेटिंग्स पे खेला करो, क्योंकि जो FPS है वो ज़्यादा मैटर करता है आपकी ग्राफिक्स से ज़्यादा। आप अल्ट्रा पे खेलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर एनिमीज़ का फ्रेम रेट हाई रहेगा तो उन्हें ज़्यादा जल्दी से पता चलेगा, उनका रिकॉइल कम रहेगा, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेम रेट से, तो काफ़ी स्मूथ भी चलेगा और फ्रेम रेट की वजह से। तो फ्रेम रेट हाई करना चाहिए और ग्राफिक्स हमेशा लो या मीडियम, ठीक है। तो आगे हम इसको बढ़ा लेंगे अगर हमें थोड़ा बहुत गंदा सा लगा तो। बाकी अभी हम मैच को स्टार्ट कर देते हैं, और मैच मिल चुका है हमें फाइनली। जल्दी से ये गेम स्टार्ट होता है और हम इसको खेलते हैं, देखते हैं चिकन डिनर मिलता है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम iPad 9 में तो हमें चिकन डिनर मिल चुका था, लेकिन अभी तक की बात है, मतलब इतने सारे गेम प्लेस डाल चुका हूँ मैं, चाहे वो BGMI का हो चाहे पबजी न्यू स्टेट का हो, मुझे अभी तक कोई भी चिकन डिनर नहीं मिला है। तो होपफुली यहाँ पे हमें मिल जाए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बैटरी और ये भी बता देता हूँ, बैटरी 51% और टेम्परेचर 30 कुछ डिग्री टेम्परेचर है, और बैटरी जो है वो 51% तो अभी ये जैसे जैसे हम गेम प्ले एंड करेंगे उसके एंड में भी मैं आपको एक बार चेक करवा दूंगा कि बैटरी कितनी ड्रॉप हुई और क्या बोलते हैं टेम्परेचर कितना राइज हुआ, तो ये सब भी मैं एंड में चेक करवा दूंगा, तो जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका डिवाइस तो कहीं ओवरहीट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ का टेम्परेचर ही 21-24 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि विंटर्स ऑब्वियसली आ चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर फोन्स का भी कम है। जब टेम्परेचर ही 31-32 डिग्री होता था, तब उसके बाद टेम्परेचर फोन्स का 41-42 पहुँच जाता था। उस हिसाब से यहाँ पे देखते हैं कितना टेम्परेचर पहुँचता है इस पूरे गेम प्ले के बाद। बाकी अभी बैटरी बैकअप भी मुझे थोड़ा बहुत इम्प्रूव मिल रहा है लास्ट टाइम की तरह, मतलब बिना रीसेट करे जब मैंने 8.21 को यूज़ कर रहा था तब मुझे बैटरी बैकअप बहुत ही कम मिल रहा था, 4-5 घंटे का मिल रहा था, और वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग था, तो इसीलिए मुझे सब कुछ पूरा का पूरा रीसेट करना पड़ा। अगर आपको भी ऐसा ही कोई इशू आ रहा है तो आप भी रीसेट कर सकते हो इजीली, और अपना बैकअप पहले लेना, क्योंकि आपकी जो ऐप्स हैं वो आपकी गूगल आईडी पे सेव होती हैं, वो तो वापस से इंस्टॉल हो जाएंगी, लेकिन आपका जो डेटा है वो चला गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए उसका बैकअप लेना ज़रूरी है। और यहाँ पे ये उतार रहा है, यहाँ पे यहीं पे उतरेंगे हम, देखेंगे क्या मिलता है हमें, क्या कौन सी गन मिलती है स्टार्टिंग में और कितनी किल्स हो पाती हैं। इस बार मैं सोच रहा हूँ MVP भी मैं ही बनूँ और किल्स भी ज़्यादा मैं ही करूँ, देखते हैं कितना मेरी सोच के हिसाब से ये गेम जाता है। बाकी अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आप खुद ही देख सकते हो लैग वगैरह कुछ नहीं होता है यार Realme X7 Max में, और Dimensity 1200 तो भाई है ही अच्छा प्रोसेसर, बस Realme इसको ऑप्टिमाइज़ जल्दी से करे, पता नहीं कितना और टाइम लेंगे। अभी तो Realme का जो 3.2 आएगा उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ आने वाले हैं, क्योंकि जब इनके स्टेबल वर्जन में जो Android 11 है उसमें इतने बग्स आ जाते हैं कभी कभार, तो जो कि Android 12 है जो अभी तक स्टेबल नहीं है, Pixel 4a वगैरह में तक स्टेबल अपडेट आई नहीं है, तो Realme से क्या उम्मीद करें हम इससे अब स्टेबल अपडेट की, तो ये एक बात हो जाती है। अब आप अगर एक्साइटेड थे Realme 3.0 के लिए तो पहले मेरे को अपडेट कर लेने देना, मुझे तो पहले दिन ही मिल जाती है अपडेट, तो मैं अपडेट करके वीडियो बनाऊंगा, कोई बग्स वगैरह हुए तो आपको बता दूंगा, और उसके बाद ही आप अपडेट करना। अभी दिसंबर में ही आने वाली है, 15 दिसंबर तक आ जाएगी शायद अपडेट, या उसके बाद भी आ सकती है, कुछ नहीं बोल सकते Realme का, वैसे 15 दिसंबर उनने ऐसा बोला था, तो अभी तो कुछ भी नहीं अपडेट आई है, मतलब अभी जिन डिवाइसेस में अपडेट आई है वो है Realme GT में अपडेट आ चुकी है Realme 3.0 की, बाकी अभी और किसी डिवाइस में नहीं आई है, शायद ME में आ गई हो, क्या पता, मैंने चेक नहीं किया, आप कमेंट करके बताना ME में आई है या नहीं GT ME। बाकी अभी तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पर, और मैंने आज एक स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की भी वीडियो बनाई थी, कुछ अलग तरीके का ट्राई किया था मैंने, आपने अगर वो देखी नहीं है तो आप मुझे देख के ज़रूर बताना कि आपको वो कैसी लगी, क्योंकि वो मैंने एक
मतलब वैसी इन्फॉर्मेटिव टाइप की वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने समझाया था कि नए नए प्रोसेसर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार MediaTek 9000 का भी रिव्यू करने वाला हूँ। मतलब रिव्यू क्या, उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो जो इन्फॉर्मेशन अभी लीक हुई है इंटरनेट पे और रिलायबल सोर्सेज के थ्रू के जो फ़ोन्स आने वाले हैं, किन फ़ोन्स में वो आएगा प्रोसेसर और क्या क्या प्रोसेसर में कैपेबिलिटीज़ हैं और कितना इम्प्रूवमेंट किया गया है 4 नैनोमीटर चिप एंड ऑल में, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा उनमें भी, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन वाले में भी यही डिस्कस किया था। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वो वीडियोज़ कैसे लगे, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरा नया सा टाइप था करने का, मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे वो एकदम फुल फ्लेज मतलब वैसा प्रो लेवल का एडिट नहीं हो पाया था जैसा मैं सोच रहा था, तो अभी मैंने एप्पल पेंसिल भी नहीं है ना मेरे पास, तो एप्पल पेंसिल आ जाएगी तो उस हिसाब से फिर वो ड्राइंग वगैरह सही होगी और राइटिंग वगैरह सही हो जाएगी। अभी तो उंगली से जितनी भी राइटिंग वगैरह हो पाई उतना कर दिया मैंने, तो उतना अच्छा मतलब मेरे हिसाब से तो था नहीं। और आप मुझे कमेंट करके बताना और क्या कमी थी। बाकी मैंने कोशिश तो पूरी करी थी यार, उसको सर्च वगैरह करने में बहुत टाइम लगता है, ऐसी सब डिटेल ढूंढने में और मतलब हर एक चीज़ का प्रॉपर मतलब कि क्या हो रहा है AI में, क्या है क्या नहीं है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो था वो पूरा वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए यार, नई चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, तो मैंने ट्राई किया। आप भी देखना वो वीडियो और बताना मुझे कि क्या कमी रह गई है। बाकी अभी बात कर लेते हैं यहाँ के गेम प्ले की, तो यार गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ, और लूट भी ठीक ठाक मिल रही है, हेलमेट वगैरह अभी तक नहीं मिला है, लूट और मिल जाती हेलमेट वगैरह तो सही रहता, अभी तो बिल्कुल सही चल रहा है गेम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि ये कॉल ऑफ ड्यूटी और BGMI का मिश्रण करके ये गेम बनाया गया है, तो उसी हिसाब का लगता है। बस एक इसमें एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जो साइड में आपका एमओ बार चलता रहता है, मतलब जो फ्लोट करता रहता है एमओ बार, आप जब जैसे ही शूट करते हो तो वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये पूरे डेस्कटॉप वगैरह गेम्स में आता था, डेस्कटॉप गेम्स में ये देखने को मिलती थी ये चीज़, और ये यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो ग्राफिक्स वगैरह उसके, एक चीज़ ये मुझे अच्छी लगती है। और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो ग्राफिक्स ओवरऑल ग्राफिक्स हैं वो भी काफ़ी सही हैं। तो अभी इनिशियल स्टेज में क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत सारे बॉट्स भी मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी उतने सारे प्लेयर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, अभी नया गेम है, इसको थोड़ा चलने में यूटिलाइज मतलब ऑप्टिमाइज होने में बहुत टाइम लगेगा इस गेम को, और उसके बाद ही प्रॉपर लोग आ पाएंगे। और ये देखो ये कोई बंदा आया यहाँ पे, तो पूरे लोग आ पाएंगे और अच्छे से खेल पाएंगे। इसको तो मैं निपटाऊंगा, शॉटगन मारना है। अरे अरे मार ही नहीं पा रहा भाई, रीलोड करता रहेगा। तो ये एक हमारी पहली किल हो चुकी है, और होपफुली यहाँ पे चिकन डिनर हम लेके जाएं इस बार। एक और बंदा आ गया यार, मुंह पे सूट दिया मैंने उसको, सही। दो किल्स हो चुकी हैं भाई स्टार्टिंग में, और मुझे तो उजी काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि यार इसकी जो फायरिंग स्पीड होती है काफ़ी शानदार होती है, और एकदम फटाक से मार देती है एनिमी को, अगर 4-5 गोली आपको पड़ी खोपड़े में तो आपका खोपड़ा खुल जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है यहाँ पे। बाकी और एम वगैरह रिकॉइल वगैरह और उसका जो रीलोडिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो शॉटगन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती यहाँ पे। कॉल ऑफ ड्यूटी में अच्छी लगती थी कि शॉटगन ही यूज़ करता हूँ मैं कॉल ऑफ ड्यूटी में, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉइल का चक्कर है, और ऊपर से एम भी उतना अच्छा नहीं लगता जब तक कॉल ऑफ ड्यूटी में लग जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कम ही यूज़ करता हूँ शॉटगन वगैरह को, और उजी और M416 वगैरह ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, वही सही लगती है मुझे तो। और यहाँ पे हम एक ये भी अच्छा लगता है कि कार से जाते जाते कार से बढ़ा दो, उसकी हैंडलिंग बड़ी बेकार है यार ये वाली कार की, वो दूसरी कार आती है ना जो उसकी हैंडलिंग सही थी, इसकी हैंडलिंग तो बहुत ही बुरी है, अगर आपने लेफ्ट मोड़ दी तो वो पलट ही जा रही है गाड़ी, एक डायरेक्शन में अगर आपने बटन दबाया तो वो पलट ही जाएगी, तो हैंडलिंग तो इसकी सही नहीं है इस वाली कार की। बाकी वो वाली जो इलेक्ट्रिक कार एक और है ना इसमें पबजी न्यू स्टेट में, वो वाली सही चलती है बिना किसी दिक्कत के, स्पीड भी सही है उसकी, इसकी स्पीड ठीक ठाक है लेकिन हैंडलिंग बहुत बुरी है इसकी, अभी अभी फील हुआ मुझे। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हो तो यार कमेंट करना ज़रूर, और मैं ऐसे पोल्स वगैरह भी चलाता रहता हूँ अपने कम्युनिटी टैब्स पे, आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि यार कई यूज़र्स को ये हो रहा है कि आजकल मेरी नोटिफिकेशन ही नहीं जा रही है उन तक, तो ये भी एक इशू है। शैडो बैन बोलते हैं जिसको यूट्यूब के लैंग्वेज में, शैडो बैन वो होता है कि आपने वीडियो तो डाल दी लेकिन आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन ही लोगों तक नहीं जाएगी, तो ऐसा कुछ हो रहा है मेरे अकाउंट के साथ, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग तक नोटिफिकेशन आ रही है या नहीं।
और यहाँ पे कोई भी बाकी तो लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं, पूरा अच्छा से परफॉर्म करता है। अगर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी सी हो जाए तो 7 लाख के ऊपर पहुँचाना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी इसके एंटूटू स्कोर को। लेकिन रियलमी वाले ऐसा करते हैं या नहीं वो उन पर डिपेंडेंट रहती है ये चीज़, क्योंकि कंपनीज तो बहुत कुछ देती हैं, जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज होती हैं वो बहुत सारा कुछ ऑफर करती हैं। ये 6 नैनोमीटर की चिप्स थी और अब 4 नैनोमीटर की आने वाली है नेक्स्ट ईयर से, और उसके बाद पता नहीं आगे जाके 1-2 साल बाद हमें 1 नैनोमीटर या 0.5 नैनोमीटर भी देखने को मिले। कुछ भी हो सकता है भाई, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी फास्ट डेवलप हो रही है और कुछ भी हो सकता है आगे जाके, और स्पीड वगैरह 5G वगैरह तब तक आ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है हमें। और कुछ कुछ ऐसी टेक्निक्स भी आ रही हैं अब तो फ़ोन्स में, जैसे कि आईफोन 13 में जो कि यूज़ किया गया है। आईफोन को हम कंपेयर नहीं कर सकते एंड्रॉयड से, लेकिन आईफोन 13 जो पूरी सीरीज़ है, प्रो मैक्स हो या 13 प्रो हो 13 हो, तो उसमें बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन इतना शानदार किया उनके जो भी रीसेंट जो उनका प्रोसेसर है उसमें कि उनकी बैटरी पूरी 1-2 दिन चल रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। आगे चल के हमें ऐसे ही ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेंगे एंड्रॉयड में भी, जिसकी वजह से हमारी बैटरी पूरा दिन निकाल देगी बिना किसी दिक्कत के, अभी भी निकालती है, लेकिन फिर हमें 8 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो आपके 1 से 1.5 दिन भी निकल जाएंगे। जैसे कि अभी आईपैड में देखने को मिलता है, आईपैड 9 जो मेरे पास है उसमें हमें 8000 mAh की कुछ बैटरी मिलती है, जिसकी वजह से होता क्या है ना कि हमें 2-2 दिन तक 3-3 दिन तक चार्ज नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली वाईफाई ओनली है और ऊपर से वो डेटा भी मतलब इतना कोई कंज्यूम नहीं करती वो बैटरी वगैरह, उसकी ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी है 13 बायोनिक चिप की, और डिस्प्ले बड़ी होने के बावजूद आप उसको 2 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हो, तो ये एक चीज़ हो जाती है। बाकी मैं मीडियाटेक 9000 का भी एक रिव्यू लाने वाला हूँ कल परसों तक, वो भी आ जाएगा, रिव्यू नहीं मतलब जैसी भी इन्फॉर्मेशन आएगी उस तरीके का मतलब पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा वो, और उसको भी मैं पूरा डिस्कस करूँगा कौन कौन से फ़ोन्स में आने वाला है मीडियाटेक 9000, और काफ़ी ज़्यादा टक्कर होने वाली है नेक्स्ट ईयर 2022 में स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक की, देखते हैं कौन जीतता है इन परफॉर्मेंस। लेकिन अभी तो फ़िलहाल अगर आप देखो तो एक और किल हो चुकी है फ़िलहाल अभी जो कि है स्टेबल परफॉर्मेंस, तो अभी भी यार स्नैपड्रैगन ही दे रहा है चाहे कुछ हो जाए। आप देखोगे कितने भी फ़ोन्स को कंपेयर करोगे तो स्नैपड्रैगन की जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल इसलिए ही है क्योंकि वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है इन गेम्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। मीडियाटेक भी अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन मेजर काम होता है सॉफ्टवेयर कंपनी का, जो स्किन चढ़ाते हैं ये कलर ओएस या जो भी स्किन इसके ऊपर लगाई जाती है उसका मेन काम होता है कि वो कितने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है। तो वो अगर ऑप्टिमाइज नहीं होगी और वो अच्छे से आपकी बैटरी को यूज़ नहीं करेगी, प्रोसेसर को यूज़ नहीं करेगी, तो आपको परफॉर्मेंस वगैरह में लैग्स और ये सारी चीज़ें इश्यूज़ वगैरह फेस होंगे, तो ये एक बात हो जाती है। बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे एक और किल हो गई है यार, गजब ही हो गया बिल्कुल। चौथी किल हो चुकी है यहाँ पे हमारी, इसको छोटी गन से मार देंगे, चौथी किल हो चुकी है फाइनली भाई। अब तो मुझे जोश आ रहा है ये मारने में, बॉट्स हो या कुछ हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चिकन डिनर चाहिए यहाँ पे, और चिकन डिनर शायद मिल जाएगा इस वाले गेम प्ले में, क्योंकि अपन बिल्कुल फियरलेस होके खेलो ना यहाँ पे गेम को तो फिर आप कम मरते हो, लेकिन अगर BGMI में आप फियरलेस हो गए तो आप ज़रा मैंने पड़ जाते हो। यहाँ पे कुछ कुछ नया नया चल रहा है ना, तो इसलिए इतने प्लेयर्स उतने आते नहीं हैं, और जितने भी आते हैं वो उतने मतलब उसी लेवल के ब्रैकेट के होते हैं जो इनिशियल उन्होंने स्टार्ट किया है जिन्होंने, तो वो उसी ब्रैकेट के होते हैं, तो ये रैंकिंग पे भी बेस्ड होता है ना। अभी अपनी रैंकिंग भी बहुत कम है तो इस वजह से प्लेयर्स भी उस हिसाब के मिलेंगे, ऊपर ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हाई लेवल के रैंक पे हाई लेवल के लोग मिलेंगे, तो ये भी हो जाता है एक चीज़। अभी तो अपन बहुत लोअर रैंक पे हैं क्योंकि खेले ही कितने गए, मुश्किल से 1-2 गेम 3 गेम खेले होंगे पबजी न्यू स्टेट के मैंने बस, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, जितना मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना उतना ही गेम खेलता हूँ बस, इससे ज़्यादा मैं फ्री टाइम में गेम्स वगैरह खेल लूँ इतना फ्री टाइम मेरे पास होता ही नहीं है, सैड लाइफ। और यहाँ पे आप देख सकते हो अब हम जाएंगे कार से, और ये पीछे से एक बंदे ने मारा, इसको उड़ा के चलते हैं, ये उड़ाना है बड़ा मज़ा आता है यार, रोन देता हूँ मैं बिल्कुल का, ये देखो ये कार से बिल्कुल कुचल दो आप, मज़े ये जाता है बिल्कुल। गया, 5 फिनिशेस हो चुकी हैं यहाँ पे, और इसकी भी लूट ले लेंगे क्या क्या लाया था ये बंदा,
इसके कंट्रोल्स थोड़े दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। अलग अलग आइकन दिए हैं ना इसमें अलग अलग चीज़ों के, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या नहीं करना है, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन सी हो जाती है। बाकी ये भी बात बताना आप मुझे कि आपने 8.21 अपडेट कर लिया है और आपको इश्यूज आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि कई सारे यूज़र्स को इश्यूज आए, कई सारों को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी बैटरी बैकअप मिला, तो ये पूरा मतलब एक वो नहीं हो पा रहा है कि एक स्टेबल कंक्लूजन पे आ नहीं पा रहे हैं कि क्या चक्कर है 8.21 में, क्या स्टेबल है क्या नहीं है, ये पूरा कंक्लूजन नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि एकदम मेजॉरिटी में वो चीज़ नहीं मिल रही है ना कि सबको ही या तो वो मिले, एक दो डिवाइस में ना मिले, सबको ही या तो अच्छी परफॉर्मेंस मिले या सबको ही बुरी परफॉर्मेंस मिले। तो यहाँ पे तो दोनों जगह ही मतलब सिमिलर लोग देखने को मिल रहे हैं। आधे लोग बोल रहे हैं मुझे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिली, आधे बोल रहे हैं मुझे मिल गई। तो अब ऐसे में तो कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलेगा ना। कंक्लूजन निकालने के लिए आपके पास डेटा में भी वैसा होना चाहिए। तो ये भी एक समझ नहीं आता कि क्यों होता है ऐसा। हो सकता है कुछ और पासिंग एरर्स हो, मेमोरी फुल हो, या फिर क्या रीज़न है भगवान ही जाने, रियलमी जाने कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सबको एक जैसी अपडेट्स और सबको एक जैसी परफॉर्मेंस देखने को क्यों नहीं मिलती। बाकी रीसेट के बाद तो यार इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है मुझे बैटरी एंड ऑल में भी, और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है अभी तो। इनिशियल मतलब पहला ही डिस्चार्ज होने वाला है, ये मैंने 100% चार्ज किया था, तो ओवरऑल अब देखेंगे कितना बैटरी बैकअप मिलता है। अभी तक तो 50% था ये जब मैंने इसको गेम खेलना चालू किया था, तो ये पूरे गेम के बाद भी देखेंगे कितना परसेंट बचता है ये। बाकी और कोई तो दिक्कत नहीं दिख रही है यहाँ पे, बिल्कुल परफॉर्मेंस में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी डायमेंसिटी 1200 के हिसाब से। और चैनल पे नए हो आप तो आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना है ताकि और आप जैसे यूज़र्स तक ये वीडियो पहुँचाई जाए। क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो ये वीडियो यहीं तक रह जाएगी मेरे चैनल तक ही, कहीं दूर नहीं जा पाएगी। इसको दूर भेजना है, दूर पहुँचाना है, तो आपको लाइक करना पड़ेगा। तो हिट दैट लाइक बटन राइट नाउ। एंड आगे आप देख सकते हो कि एक और एनिमी था, इसको मैंने फुटबॉल बना दिया पूरा का पूरा, और ये 6 फिनिशेस हो चुके हैं यहाँ पे। कार से उड़ाने में भाई अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, कार से उड़ा दो बिल्कुल ही, और एकदम दूर जाके फेंकाते हैं, बिल्कुल पास भी नहीं रहते हैं बिल्कुल। और देख लेते हैं आसपास कोई है या नहीं है। 32 लोग बचे हैं भाई अब बस, 32 और 6 हमने किल कर दिए ऑलरेडी। देखते हैं कितनी हाईएस्ट किल हो पाती है आज मेरी, शायद मैं MVP भी बन जाऊं, शायद ना भी बन पाऊं, देखते हैं क्या होता है। जो भी होता है आपके सामने ही होगा। यहाँ पे लूट भी मिल चुकी है फाइनली, अंदर चल के देखते हैं। ATAX वगैरह मिल गया, कार 98 में लगाएंगे ATAX और करेंगे शूटिंग और देखेंगे कि कौन आसपास है, दूर दूर से मारेंगे बिल्कुल चुन चुन के। पहले बूस्ट मार लेते हैं, बाकी यार iPad 9 की बात करूँ तो iPad 9 में बहुत सारे काम बहुत ज़्यादा ईजी हो गए। जैसे पहले प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में आपको माउस वगैरह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने में, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ iPad बहुत ज़्यादा फ्लुएंट चीज़ें हो गई हैं। तो अगर आप वर्क के लिए यार iPad वगैरह देख रहे हो तो बहुत ही शानदार चीज़ हो जाएगी। प्रेजेंटेशन बनानी हो या फिर कुछ और मतलब और तरीके का आपको कुछ बनाना हो, असाइनमेंट हो आपके स्कूल के कॉलेज के या फिर कुछ भी हो, तो आप मतलब ये राइटिंग वाला वर्क काफ़ी ज़्यादा ईजिली कर सकते हो। बहुत सारे उसमें ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनकी मदद से आप एकदम यूनिक तरीके का प्रेजेंटेशन बना पाओगे, जो आप शायद माइक्रोसॉफ्ट मतलब शायद आप अपने लैपटॉप से ना बना पाओ, मतलब उस तरीके का बना पाओगे। क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया और मुझे खुद लगा यार कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप वाले इतने शानदार फीचर्स हैं ना आईपैड में, मज़ा ही आ जाता है उनको यूज़ करके। भले ही उसमें कस्टमाइजेशन का इतना ऑप्शन नहीं है कि आप इतना कस्टमाइज़ नहीं कर सकते उसको या फिर उसके आइकन्स वगैरह चेंज नहीं कर सकते, ये एक चीज़ें खलती हैं मुझे एंड्रॉयड जैसी, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन तो है मेरे पास, इतना खलना भी नहीं चाहिए। बेसिकली वो वर्क के लिए है, काम के लिए है, तो काम तो भाई उसमें सही से हो रहा है। और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, क्रोम वगैरह चलाना है, PPT बनाना है या फिर कुछ और करना है, तो ईजिली हैंडल कर रहा है वो। और ऊपर से बैटरी बैकअप इतना अच्छा है यार, मैंने उसको सैटरडे को चार्ज किया था इसको आईपैड 9 को, और अभी तक वो चल रहा है। आज वेडनेसडे हो गया, 3 दिन में मतलब अब उसकी 20% बैटरी हुई है और अब मुझे उसको चार्ज करना पड़ेगा। एक और बंदा मिल गया, इसको मिटा देंगे। मज़ा आया भाई इस शॉट में, ये पड़ा
पड़ गया शायद, एक तो पड़ा उसमें, एक और पड़ेगा, नॉकआउट हो गया एंड एक और गोली गया। ये हमारी सातवीं किल हो चुकी है फाइनली, हाँ हो चुकी है सातवीं फाइनली किल हो चुकी है, सेवंथ फिनिश एंड डन। आगे देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। भाई सात किल्स हो गई हैं, 25 अलाइव हैं, अभी भी चांसेस ज़्यादा हैं, दो लोग हम हैं तो मतलब 23 लोगों को और निपटाना है, तब अपन जीत पाएंगे इस गेम को। पूरी पूरी कोशिश करेंगे यार इस गेम को जीतने की, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ रहा था। 24 लोग बचे हैं, 24 लोग, काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा होता है ना तब, तब ईजी हो जाता है आपके लिए गेम खेलना, मतलब एक बार आप हाथ जम जाता ना आपका तो वैसा एकदम ईजी हो जाता है। मैंने आईपैड 9 में खेला तो मेरा हाथ इतना जम गया ना उसमें, आधा किलो का डिवाइस हाथ में पकड़ के आधा घंटे तक आप खेलोगे तो आपको वो आदत सी पड़ जाएगी। वैसे ही मुझे आदत पड़ गई उस पर, और अब ये स्क्रीन भले ही छोटी हो लेकिन मुझे उसके कंट्रोल्स दिमाग में बैठ चुके हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि अब हम इतने ज़्यादा आगे बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी तो छुप छुप के रहना पड़ेगा, आसपास से कहीं से आवाज़ तो आ रही है, कहीं ना कहीं तो है, एक आध बंदा और दिख नहीं रहा है कहाँ है, लेकिन बस है ज़रूर। मैंने सोचा कि अपने इक्विपमेंट्स वगैरह जो मैं यूज़ करता हूँ उनकी लिंक्स भी अगर डिस्क्रिप्शन में दे दूँ तो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, तो मैंने आज से अपने डिस्क्रिप्शन में भी अपने इक्विपमेंट्स वगैरह की लिंक्स देना चालू कर दी हैं अमेज़ॉन की। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो वीडियोज़ बनाने में या फिर ऐसा कुछ करने में, तो जो जो मैं यूज़ करता हूँ आपको पूरे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक ट्राईपॉड, एक मोबाइल, अपना मोबाइल का कैमरा यूज़ कर सकते हो, बाकी मोबाइल का ही माइक यूज़ कर सकते हो रिकॉर्डिंग के लिए भी, तो भाई ये सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी अगर आप यूट्यूब चैनल खोलने का सोच रहे हो तो। बाकी अगर आप अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो भाई पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई लिखाई कर लो उसके बाद यूट्यूब में आना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपने यूट्यूब चैनल खोला और आपको इंस्टेंट अर्निंग होने लगी, उसको करने के लिए, उस तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब 1,00,000 भी आपके सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो भी आपकी इतनी अर्निंग नहीं होगी कि आपका घर चल जाए उससे, तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के यूट्यूब पे नहीं आना चाहिए, आप एक साइड में यूज़ कर सकते हो, मतलब साइड में आपको जितना भी टाइम मिलता है आप उतना यूट्यूब करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी अपने जो मेन मेजर काम है उनको नहीं छोड़ना चाहिए यूट्यूब के लिए। तो फाइनली जैसे कि मैं भी जॉब वगैरह करता हूँ, मैं भी ये यूट्यूब को पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ एज माई पैशन, क्योंकि मुझे मज़ा आता है ये सब करने में, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और आप लोग भी सपोर्ट करते हो तो मुझे और मज़ा आता है यार, कि लोग देख रहे हैं यार, लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए करना चाहिए। तो यही होता है बेसिकली, आपको अपने ऑडियंस का ध्यान रखना है, और अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं जो डेड हो गए ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज कि वो पैसों के पीछे भागते हैं। तो मैं तो भाई 8 साल से, मतलब मैंने कितने सारे चैनल्स बनाए, कितने सारे चैनल्स मिटाए, तो अब मैं उन सबसे आगे बढ़ चुका हूँ। पैसे वैसे से मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब से, अभी तो मुझे पता है कि 2-3 साल तक कुछ नहीं आना यूट्यूब से, और बस मुझे मेहनत करनी है तो मेहनत मैं कर रहा हूँ, और आप लोगों का ध्यान रखना है तो वो तो मैं रख रहा हूँ। बाकी अगर बढ़ना होगा तो बढ़ जाएंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक और बंदे के फुटस्टेप्स तो दिख रहा है मुझे नीचे, ये नीचे से ऊपर आए तो अपन इसको उड़ाएं, जल्दी से ऊपर आ जा भाई, देर मत कर, ऊपर आएगा और निपटा देंगे। अब 21 लोग ही बचे हैं सिर्फ, और हम भी चिकन डिनर के पास आते हुए बिल्कुल, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस बार, हारेंगे नहीं बिल्कुल भी। BGMI में भी यार, BGMI का भी गेम प्ले कर डाला था, उसमें भी बड़ी चोट हो गई थी, शॉटगन से उड़ा दिया था उसने मुझे। यहाँ पे ऊपर आ रहा है अब तो, आजा 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 आजा, क्या आपस में लड़ने लगे वो लोग। ये आ गया, सही भाई सही, लिटा दिया। चलो भाई बाय बाय, ये हो चुकी हैं हमारी 8 किल्स, काफ़ी इजी रहा पूरा, मतलब 8 किल्स करना काफ़ी इजी रहा यहाँ पे। लूट में गला हूँ ना, सब दे दो हमें, बिल्कुल मत छोड़ना। अब भाई बचे हैं सिर्फ 20 लोग और 8 को मैंने निपटाया है। होपफुली यार अब मैं इस गेम का MVP तो बन ही जाऊंगा, क्योंकि 2 मेरे टीममेट्स ऑलरेडी जा चुके हैं, इकलौता बचा है और बाकी मैं हूँ। एक और बंदा यार, आवाज़ सी तो आ रही है, फुटस्टेप्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे अब जाना पड़ेगा सर्कल की तरफ वरना खेल हो जाएगा।
सर्कल में आसपास ही रहो ना तो सही रहता है, सर्कल के दूर रहो और फिर दिक्कत हो जाती है दौड़ने में, पीछे से कोई शूट कर देगा, आगे से कोई शूट कर देगा, वो दिक्कत वाला काम हो जाता है, इसलिए आपको पहले ही निकलना पड़ता है अगर आपका सर्कल आ चुका है तो। बाकी मुझे कमेंट करके ये भी बताना है यार कि माइनक्राफ्ट कौन कौन खेलता है, माइनक्राफ्ट या जिसने भी नाम सुना हो या खेला हो अपने मोबाइल में तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि माइनक्राफ्ट वगैरह खेलते हो, कि मैं भी माइनक्राफ्ट खेलता था पहले, लेकिन अब तो भाई ये बंदा आ रहा है, अब तो टाइम ही नहीं मिलता ना मैंने जैसे बताया। बाकी रियलमी 3.0 का तो मुझे भी इंतज़ार है, अब देखते हैं कुछ अच्छा कर दे तो यार। ये देखो ये को शूट ही नहीं कर रहा भाई, शूट ही नहीं कर रहा, क्या सोच रहा था। चलो बढ़िया, मत कर शूट, अपन ने शूट कर दिया। यहाँ पे हो चुकी हैं 9 kills और बचे हैं अब सिर्फ 16 लोग अलाइव। भाई इस बार तो जीतने के बहुत सारे चांसेस हैं, उजी उजी खेलेंगे अपन तो, उजी से ही खेलेंगे अपन, गन ही चेंज नहीं करेंगे, यही लकी गन है क्योंकि बाकी मैंने बहुत सारी गन से भी ट्राई करके देखा, यहाँ पे उजी से जितने आसानी से मरते हैं ना, इसको पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं, उजी यूजी या फिर यूजी जो भी, इससे जितनी जल्दी निपटते हैं ना एनिमीज उतने जल्दी किसी से नहीं निपटते। अपन चलते हैं अब सर्कल की तरफ, दौड़ लगाते हैं, दौड़ क्या लगाते हैं, कार चलाते हैं और सर्कल के अंदर जाके देखेंगे कि क्या कितने लोग हैं और कितने लोग अपन उड़ाते भी चलेंगे साथ साथ में, मिलेंगे रास्ते में। तो जैसे कि यहाँ पे एक दिख रहा है शायद, मुझे नहीं है, कोई भी नहीं है, तो लगा है तो आगे अपन उड़ाते चलेंगे कार में से, जितने भी देखेंगे अपन को कुचल लेंगे सबको। फेज 4 भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और भाई ये अभी तो बहुत इजी लगेगा क्योंकि अपनी ये देखो ये गया, अभी तो काफ़ी इजी लगेगा, 10 kills हो चुकी हैं क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस में है ना, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा न्यू प्लेयर्स भी मिलेंगे जिसकी वजह से हमारी रैंक बढ़ जाएगी, लेकिन जब रैंक बढ़ जाएगी गोल्ड वोल्ड में पहुंच गए तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, फिर आप ऐसे इजी नहीं कर सकते, वहाँ पे तो बहुत टफ हो जाता है, वहाँ पे आपसे भी ज़्यादा होशियार लोग बैठे रहते हैं तो फिर आपकी बैंड बजाने लगते हैं। तो स्टार्टिंग में ही काफ़ी मज़ा आता है उस गेम्स में क्योंकि आपको लो एफर्ट में हाई रिजल्ट्स मिलते हैं, मतलब आप बिल्कुल कुछ भी खेलोगे अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप जीत जाओगे, आपको चिकन डिनर मिल जाएंगे, आपको सब ये साइड में से निकल गया, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वहीं हाई टायर में पहुंच गए और फिर वहां पे आप ऐसी हरकतें दोगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। ये कर गया, फुटबॉल बना दिया पूरा का पूरा निपटा ही दिया भाई उसको, 11 kills हो गई हैं जिसमें 3-4 तो मैंने कार से उड़ाए, कार से उड़ा उड़ा के भी किल्स कर दी हैं मैंने, और इसी बात पे यार लाइक तो बनता है यार, हर जगह लाइक की प्लेसमेंट ज़रूरी होती है क्योंकि आप लोग करते नहीं हो। गेम प्ले तो भाई काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई भी दिक्कत, कोई भी लैग, कोई कुछ भी पिंग इशू भी नहीं है भाई, पिंग इशू जिसको भी हो रहा था 8.21 में, यहाँ देख लो पिंग इशू कुछ भी नहीं है, वाईफाई से कनेक्टेड है, एयरटेल का वाईफाई 40 Mbps वाला, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भी पिंग, हाई पिंग, लो पिंग कुछ इशू नहीं है, मस्त एकदम चल रहा है मक्खन की तरह आपके सामने। मतलब वो बोलते हैं ना कि कुछ यूज़र्स बोल रहे थे कि यार हमें पिंग इशू हो रहा है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, तो मैंने सोचा यार मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैंने आपको नेटवर्क टेस्ट भी करवा के दिए, मतलब करा के दिखा दिया और उसमें भी मेरा पिंग इतना हाई नहीं था, लेकिन कुछ यूज़र्स को हो रहा है। तो आप एक काम करना, सेटिंग में जाना जिससे मैंने रीसेट किया था उसके ऊपर ही एक रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन है, उसको कर देना, तो उससे क्या होगा ना आपकी नेटवर्क की कोई भी दिक्कतें होंगी ना तो वो सॉल्व हो जाएंगी और आपको फ़ोन भी रीसेट नहीं करना पड़ेगा। अगर पिंग इशू जिसको भी हो रहा है ना तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर दो एक बार और फिर मुझे बताना कि क्या आपका इशू सॉल्व हुआ या नहीं, क्योंकि हो जाना चाहिए उससे अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर तो पिंग इशू मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है यार। मैं आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ, मैंने बताया जैसे कि मैं बहुत सारी पोस्ट डेली कर रहा हूँ अब तो, और अगर आप देखना चाहते हो रियल मी X7 Max के पिछले कैमरा बैक कैमरा का कमाल तो यार वहाँ देखो, वहाँ पे मैं अपनी फोटोग्राफी जितनी भी एमेच्योर फोटोग्राफी स्किल्स है वो दिखाता रहता हूँ, बाहर जा जाके फोटोज़ खींचता रहता हूँ, तो वो अगर आपको देखने में इंटरेस्ट हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम की भी, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, बाकी ट्विटर पे भी आजकल एक्टिव हो गए हैं, हर जगह एक्टिव हो गए हैं क्योंकि यार अब एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि कोरोना का नया वायरस आ रहा है, अब पता नहीं क्या होने वाला है डर भाई कोरोना ने इतना फैला दिया है ना 3 साल से, अब ये तीसरे ही साल चालू हो जाएगा
कोरोना को देखते हुए 2022 भी एक और टक्कर तो मार दी मैंने। कितने लोग बचे? अब सिर्फ 8 लोग बचे हैं भाई। आराम आराम से खेलो, यहाँ से पीछे से निकल गया। 12 फिनिश हो चुकी हैं, 7 अलाइव निपटा दूंगा भाई। अब आओ, कहाँ हो तुम? ये अपना नंबर 3 भी यहीं है, दिख जाए बस। दिख गया दिख गया दिख गया, गया नॉकआउट कर दिया। 13 किल्स भाई, 13 किल्स हो चुकी हैं और 5 अलाइव हैं। यहीं से कहीं से आ रही थी, गया। 4 अलाइव हैं बस, 2 और बचे हैं यार। वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा पास आ गए भाई। अब तो जीत का स्वाद चक्के ही जाएंगे अब बिल्कुल। मतलब ऐसे जब फाइनल स्टेज आती है ना, एकदम धक 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 स्टार्ट हो जाती है, भले ही कुछ भी हो। यही तो इस गेम का वो है USP। लास्ट में आपको जब पहुंचते हो तो ऐसा लगता है कि यार सीरियसली आप यहीं पे हो। और सोचो यार, ये अगर VR हेडसेट में अगर ये ऐसा गेम प्ले खेलने को मिले, जैसे कि YouTube बोल रहा हूँ, Facebook मेटा जो हो चुका है आजकल, मेटा अब वही काम करने वाला है कि एक दुनिया बनाने वाला है वो नई की नई, वर्चुअल रियलिटी से कनेक्टेड। उनका जो Oculus Rift जो VR हेडसेट आता था वो तो एक वर्जन 1 था, अब जो वर्जन 2-3 आएंगे ना, उसमें पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप घर बैठे कितनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, या ऐसी गेम्स भी आप खेल सकते हो जो आपको लाइवली लगेंगी, बिल्कुल रियल लाइफ लगेंगी। तो भाई वो दुनिया ही अलग होने वाली है, तो कितना मज़ा आने वाला है। मुझे तो ये सोच के लगता है कि अगर ऐसा हो जाए, BGMI वगैरह हम VR में खेल रहे हैं, तो भाई क्या ही एक्सपीरियंस मिलेगा। रेसिंग वगैरह क्या ही एक्सपीरियंस मिलेगा, सीरियसली बिल्कुल ऐसे ही फील होगा कि हम सीरियसली पूरे बैटलफील्ड में और अटैक कर रहे हैं, गन्स चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस होगा। थोड़ा डर भी लगता है कि यार जो हमारी रियलिटी है वो कहीं ना कहीं धुंधला जाएगी, लेकिन जो वर्चुअल रियलिटी है वो एकदम ऐसी क्लियर हो जाएगी ना, बिल्कुल मज़ा ही जाएगा उसमें। 2 अंडे बचे हैं बस सिर्फ, और यहाँ पर हम बम बम फेंक देते हैं। एक निपट गया, एक निपटा दिया भाई ने, 3 नंबर वाले ने निपटा दिया है एक। अब इकलौता बंदा बचा है, कहाँ है? देखिए जाए, जल्दी से निपटाऊं यार इसको। यहाँ पे है यार, ये रहा। मिल गया भाई, मिल गया, गया। गन बहुत बेकार लगती है यार ये वाली। चलो ये हो गया है विनर विनर चिकन डिनर भाई साहब। फाइनली Realme X7 Max में मुझे पहला चिकन डिनर मिल चुका है। यहाँ पे हम विनर हो चुके हैं और MVP भी हो चुके हैं। SSS मिला है मुझको 14 किल्स के साथ भाई, कमाल कर दिया। भले ही बॉट्स हो यार, भले ही कुछ भी हो, आई डोंट केयर, आई एम हैप्पी कि यार अपन ने इतनी किल्स करी और पहली बार चिकन डिनर मिला है, आई एम सो हैप्पी। और अभी इस खुशी को मैंने आपके साथ बांटा है, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे बेचारे मतलब मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे थे यहाँ पे, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं कि आपको चिकन डिनर कब मिलेगा। तो यार ये रहा चिकन डिनर आपके लिए। Bronze 2 में थे, Bronze 1 में आ जाएंगे, शायद 3 में आएंगे, पता नहीं कहाँ आएंगे। लोड हो गया, जहाँ भी थे, लेकिन फाइनली चिकन डिनर मिल चुका है पहला इन PUBG न्यू स्टेट इन Realme X7 Max। एक बार iPad में, एक बार यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा हो चुका है। बाहर देखो शोर भी मच रहा है इसी वजह से, क्योंकि मुझे चिकन डिनर मिल गया है। दुनियादारी सब खुश हो चुकी है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अब मैं दिखा देता हूँ अपना टेम्परेचर, आप देख लो टेम्परेचर भी, और यहाँ पे देख लो आप बैटरी भी। 15% ड्रॉप हुई है भाई 30 मिनट के गेम प्ले में विथ रिकॉर्डिंग, ये ध्यान में रखना आपको, रिकॉर्डिंग के साथ हुई। और 38 डिग्री टेम्परेचर पहुँच चुका है, और मैंने मीडियम सेटिंग्स और हाई फ्रेम रेट पे खेला है, मीडियम और मैक्स फ्रेम रेट पे खेला है, तो जिसकी वजह से ये हुआ है। बाकी अगर आप इसको मीडियम लो और मैक्स सेटिंग्स पे खेल के बिना रिकॉर्डिंग के अगर खेलोगे, तो आपको इतना टेम्परेचर और इतनी बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ी सी बैटरी ड्रेन ज़्यादा होती है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करना, मैंने बता दिया है डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स हैं। और एसेसरीज वगैरह चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, अपने हिसाब से जो भी पसंद आए वो ले लेना। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।